अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास ये प्री मोड का शेड कार्ड है और इसका एक कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है, वार्म टोन है, गोल्डन कॉपर में 7 लेवल का कलर है, मीडियम गोल्डन कॉपर ब्लॉन्ड, 7 नंबर का कलर है। तो ये मीडियम ब्लॉन्ड कलर है और इस ये देखें, ये 7 नंबर का कलर है, 7 लेवल का कलर है ये। और इसमें जो कॉपर और ब्लॉन्ड टोन्स इस्तेमाल की गई हैं, प्योर पिगमेंट, वो भी आपको दिखा दूं। ये गोल्ड है 0.33 और 0.44 ये कॉपर पिगमेंट है। तो ये मिल्क है, तो ये मीडियम कॉपर गोल्ड, गोल्डन कॉपर ब्लॉन्ड कलर बन गया। इस पे आज हम प्रैक्टिकल करेंगे और 3 डिफरेंट प्रैक्टिकल करके एक ही कलर से आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करें। वीडियो को पूरा देखें ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। अच्छा, 3 डिफरेंट किस्म के डेवलपर मेरे पास हैं, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम। तो कलर एक है, डेवलपर 3 है और इन और जो हमारे पास बाल हैं वो 3 लेवल के हैं, मतलब डार्क ब्राउन कलर के हमारे पास बाल हैं। तो इस पर हम ये प्रैक्टिकल करेंगे और फिर देखेंगे क्या रिज़ल्ट आएगा। तो 3 प्रैक्टिकल हैं, तो 3 हमने ये बाउल ले लिए, मिक्सिंग बाउल ले लिए, कलर मिक्सिंग बाउल जो होते हैं, और इन तीनों में हम ये 7.34 कलर ऐड करेंगे और इक्वल क्वांटिटी में तीनों अलग अलग डेवलपर ऐड कर देंगे, मतलब एक में 20 वॉल्यूम डालेंगे, एक में 30 डालेंगे और एक में 40 डालेंगे। 20 मीन 6% डेवलपर और 30 मीन 9% डेवलपर और 40 मीन 12% डेवलपर, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इक्वल क्वांटिटी में लिया कलर और डेवलपर एक जितना लिया और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अलग अलग ब्रश के साथ मिक्स करेंगे ताकि एक ब्रश का कलर दूसरे में ना लग जाए, मतलब एक ब्रश का जो डेवलपर है दूसरे ब्रश में लगेगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्योंकि अलग अलग रिजल्ट देखना चाहते हैं इसलिए थोड़ा सा एहतियात से काम करेंगे और अलग अलग ब्रशेस भी लेंगे, इसलिए हमने बॉल्स भी अलग अलग लिए हैं। अब ये 20 वॉल्यूम का जो था, हमने 7.34 20 वॉल्यूम से जो मिक्स किया था वो एक बालों पर हम लगा देते हैं और ये कटिंग वाले बाल हम रख लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए। इस तरह से आप भी रख लिया करें, डिफरेंट प्रैक्टिकल किया करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा ख़ुद से भी आपको बहुत सारी नॉलेज आएगी और ऐसे ऐसे कलर्स आप बना लेंगे जो कि शेड कार्ड में भी नहीं होंगे। जैसा कि आज हम अब ये डायरेक्ट टिप के साथ ये कॉपर ब्लॉन्ड जो कलर है, गोल्डन कॉपर ब्लॉन्ड कलर है, मीडियम गोल्डन कॉपर ब्लॉन्ड, इसकी आज हम 3 प्रैक्टिकल करें और इसमें से जो शेड्स होंगे वो हमारे पास शेड कार्ड में नहीं है, जो इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो ये डायरेक्ट लिफ्टिंग के साथ हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में ये आपको कलर डिपॉजिट भी करके दिखाएंगे कट डाउन वाले बालों के ऊपर, ब्लीच्ड हेयर के ऊपर। तो इस तरह से आप ये अच्छी तरह से बालों पे हमने लगा के इसको फॉइल में रख दिया है और फिर सेम हम जो है प्रोसीजर हम 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम साथ भी करेंगे। और इस तरह से हमने फॉइल्स में लगा के रख दिया है और सब बॉल्स पे हमने नंबर भी लिख दिए हैं, देखें 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम सच लिख दिया ताकि हमें याद रहे कि कौन से बॉल में या कौन से फॉइल में हमारा कौन से लेवल का कलर लगा हुआ है। तो इसको हम वेट करेंगे तकरीबन 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक वेट करेंगे, क्योंकि कटिंग वाले बाल हैं और इसमें हीट नहीं होती तो उसमें थोड़ा रिज़ल्ट लेट आता है। मे भी जब आप क्लाइंट पे काम करें या मॉडल पे काम करें तो जल्दी रिज़ल्ट आ जाए 40 मिनट में या 45 में आ जाए, लेकिन तो तकरीबन ये 1 घंटे के बाद इसका रिज़ल्ट आया और ये हमने खोल के देख लिया है और तकरीबन रिज़ल्ट आ चुका है। अब इन बालों को हम वॉश करेंगे, वॉश करके फिर ड्राई करके आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं कि हमारे पास 3 जो प्रैक्टिकल थे क्या रिज़ल्ट आया। अच्छा, ये जो हमने 20 वॉल्यूम से किया था इसका 5 लेवल का रिज़ल्ट आ गया है, 5 लेवल का, और जो हमारा 30 वॉल्यूम का था वो तकरीबन 6 लेवल का रिज़ल्ट आया है, और जो हमने 40 वॉल्यूम से किया था वो तकरीबन 7 लेवल का रिज़ल्ट आ गया। मतलब ये देखें, ये 3 अलग अलग रिज़ल्ट हैं। तो ये हमारे पास 3 रिज़ल्ट आए हैं, 5 लेवल का, 6 लेवल का और 7 लेवल का। फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।